गाता हूं या मैं कभी अवार्ड फंक्शन में गाता हूं तो बाकी लोग लिफ्टिंग कर रहे होते हैं मैं अकेला लाइव लाइव गाता हूं। तो आई 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 मेक मेक इट इट अ पॉइंट दैट सिंग देखा देखी अब बाकी ने भी लाइव गाना शुरू कर दिया कि पता है लाइव गाएगा तो फिर हमको भी थोड़ा लाइव गाना चाहिए सो दे इट ऑल डिपेंड्स कि आपके सामने इंस्पिरेशन कौन होता है सो वेन यू हैव अ चैलेंज इन फ्रंट ऑफ यू दैट यू वर्क अकॉर्डिंगली फॉर दैट उसे से नहीं ऐसा नहीं, 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 नहीं देखिए भगवान छोटे छोटे बच्चे गा रहे हैं मैं बोलता हूँ भगवान इतना बेवफा कैसे होगा कि एक टाइम पे ही अच्छे करेगा बाद में अच्छा नहीं करेगा ऐसा थोड़ी हो सकता है भगवान है कोई तो, तो हर जमाने में हर दौर में अच्छे लोग एवरेज लोग क्रिमिनल माइंडेड पीपल अच्छे कलाकार एवरेज कलाकार कलाकार हर जमाने में ऐसे आते हैं अच्छे पॉलिटिशन एवरेज पॉलिटिशन गंदे पॉलिटिशन समाज सेवक अच्छे वाले झूठे समाज सेवक हर हर दुनिया में कायनात में ऐसा हमेशा द इक्विलिब्रियम ऑफ गुडनेस इन एक्सपर्टीज एंड मेडियोक्रेसी इज द सेम आज भी सिंगर्स बहुत अच्छा करते हैं जो मुझसे छोटे हैं बहुत अच्छा रियाज कर रहे हैं

हम भी मानते हैं आज के सिंगर बहुत अच्छे हैं बट आप गानों के वर्डिंग्स के बारे में जैसे कहते हैं कि पहले के गाने इतने अच्छे होते थे और आज के डेट में भी हम अंताक्षणी खेलें तो हमारी जहन में पुराने गाने ही आते हैं

अब वो पूरा प्रोसेस कहीं पे नहीं ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है अच्छे गाने आज भी बनते हैं मैंने जो नहीं मैंने कुछ गाए हैं वो भी मैं जानता हूँ अच्छे हैं अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी इतना अच्छा लिखा हुआ है कल हो ना हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी अच्छे अच्छ मैंने कहा ना भगवान के घर में कभी ऐसा बैलेंस नहीं इम्बैलेंस नहीं हो सकता ऑर्डिनरी गाने पहले भी बनते थे मैं मैं कई जानता हूँ मैंने सुने हुए हैं मैं आई इट विल बी रॉन्ग ऑफ मी टू मैंशन दोज सॉन्ग्स बट बहुत बहुत ऑर्डिनरी लिरिक्स बहुत ऑर्डनरी कॉम्पोजिशन और सिंगिंग भी बेमन से की हुई सिंगिंग है तो ऑर्डनरी काम तब भी होता था अभी भी होता है पर यू राइट right, ऐसा है कि अब थोड़ा ज़्यादा जग ज़ाहिर है क्योंकि क्वांटिटी पर तो देखिए ना क्वांटिटी ऑफ सॉन्ग्स कितने आ रहे हैं आज तो बहुत गाने बन रहे हैं आज हर किसी को ये छूट है कि वो अपने चैनल में अपने गाने डाल दें है ना फिल्मों में एक बात जो मैंने महसूस की है जो आपके क्वेश्चन से रिलेटेड है वो ये है कि इस समय पहले के जमाने में क्या था इंडिपेंडेंट

कल का लड़का या कल की लड़की जिसने जिंदगी में सिर्फ फिल्म ही देखी होगी फिल्म के बारे में कुछ नहीं पता गाने के बारे में कुछ नहीं आई हैव सीन सो मेनी टाइम्स अ रैंडम चिक सिटिंग देयर अ रैंडम डूड नो आई डोंट लाइक दिस म्यूजिक मैन आई थिंक इट्स नॉट वर्किंग फॉर मी या इट्स नॉट वर्किंग या क्या वर्क नहीं करे बेटे तेरे को क्या पता है इस बारे में बट वो कॉपरेट का है

वो अपने काम के मास्टर हैं आप उनसे उनका एक्सपर्टीज लेंगे या उनको बताएंगे कि क्या करना है अगर आरडी वर्मन को बताया जाता कि तुम ट्यून ऐसे बनाओ तो आरडी वर्मा आरि वर्मन बनता क्या नहीं बनते ना तो आज के इसमें दौर में जो आप कह रही है थोड़ा आपको लग रहा होगा वो इसलिए लग रहा है कि रॉन्ग पीपल हु डू नॉट नो देयर जॉब और इंटरफेयरिंग इन स्क्रिप्ट इन म्यूजिक इन सिंगिंग इन चॉइस ऑफ एक्टर्स चॉइस ऑफ वॉइस इनफैक्ट इवन मार्केटिंग ऑल्सो तो मेरे हिसाब से आ, जिसका काम जिसको अच्छा आता है उसको ही वो काम करने पे लोगों को भरोसा रखना चाहिए कि कि यार ये आदमी को हाँ, सजेस्ट सजेस्ट कर सकते हैं, करना बात है है वो वो जो मैंने देखा है, वो ऐसा हो रहा है शायद वही कारण है जो आप कह रही हैं कि आपको गानों की क्वालिटी में तो, जो थोड़ा सा नरम लग रहा है कि आप मन से बोलते हैं एक संत होता है मनसा मनसावाज कर्मणा जिनका एक ही डायरेक्शन रहता है वैसे ही मैं आपको भी देखती हूँ शुरू से और आप एक मतलब आप भी हैं हैं चोजन फ्यू है भगवान की तरफ से एक अच्छे ह्यूमैनिटी आप ट्रिब्यूट के लिए भी एक अपनी अपनी बात करी कौन करेगा मुझे लगता है अभी तो आपकी हाफ भी नहीं हुआ अगर आप जीव एम शरदा शतम नहीं। तो नहीं। <laughs> क्योंकि आपने ये बात कर दी तो मैं आपको कहता हूँ कि मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ कभी भी मैं सोचता हूँ कि नहीं मैं सोचता हूँ एकदम खुशी से इतना अच्छा मुझे दिया है भगवान ने तो आई एम आई एम रियली अवेयर ऑफ द फैक्ट आई कैन नहीं कह रहा मैं जीना नहीं चाहूंगा आई लिव लौंगा बट आई एमलीकेट लेट ब्यूटीफुल लाइफ एंड मेक्स माई लाइफ सो ब्यूटीफुल मालूम है कि कल होना हो इसलिए मैं वो इसलिए मैं, मैं कह रही थी तो एक 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 कल होना हो मैं जरूर सुनना अच्छा तो आप वहीं पे आने वाली थी <laughs> देखिए मैंने पकड़ लिया आपकी <laughs> मैंने ही आपको वहां पे तो ले आप चला <laughs> तो मैंने आपको वहां पे ले चला <laughs> प्लीज